तस्वीरें जमा की है। वो कितना बड़ा फैन है ना। एबीसी डोरेमोन मारी 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 जान, मारी जान मेरी फेवरेट है, मारी जान मुझे पसंद है, ये मारी जान। डोरेमोन सुनो। अरे क्या हुआ नोबिता, मुझे परेशान मत करो। मारी जान डोरेमोन को ये कितनी पसंद है। मारी जान ये तुम बेस्ट हो, तुम सबसे अच्छी हो। वो इतनी भी प्यारी नहीं है और ठीक ठाक ही गाती है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने मारी जान के बारे में ऐसा कहा कैसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो नोबिता। मैं तुम्हें क्या हुआ, ये जियान कहाँ जा रहा है। मारुई मैरी मूवी की शूटिंग हो रही है। कहा उसने, मैं भी जाऊंगा। मारी जान कहाँ गई, मारी जान कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। लगता है वो यहाँ नहीं है। कैमरा टूट गया और वो उसे रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मारी जान गाड़ी में सो रही है। क्या? वो दिन में सो रही है। ये मारी जान भी ना कितनी आलसी है। प्लीज जो भी करना है जल्दी करो, मारी जान को दिन में और दूसरे बहुत से काम है। ओ बन गया। ठीक है शूटिंग शुरू करते हैं। मारी जान चलो अब तुम्हें काम करना है। मारी जान कहाँ चली गई होगी। मुझे तो लगा था आज मैं असली मारी जान से मिलूंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ मारी जान। अब नोबिता
नॉक तुम कहाँ से ले आई? अरे मैं रकून नॉक नहीं हूँ ना। ठीक है ये सब रहने दो, शूटिंग कैंसिल हो गई है। तुम एक बहुत बड़ी स्टार हो, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे चलेगा? ठीक है अब मैं क्या करूँ? ये इंटरव्यू मैगजीन के लिए है। ये मजेदार लग रहा है, मैं तैयार हूँ। मारी चांद तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? वो टीवी देखना, कॉमिक पढ़ना और सोना। और स्पेशल एबिलिटी क्या है? जीरो मार्क्स लाना। पसंदीदा खाना क्या है? बहुत सारे चावल खाना। शांत हो जाओ नोबिता। क्या हुआ डोरेमोन? क्या हुआ? सुनो नोबिता, तुम ये सब जो बातें कर रहे हो उससे सबके सामने उसकी इमेज खराब हो सकती है। सच में? लेकिन मुझे मारी चांद के बारे में ज्यादा नहीं पता। मैं ये तुम पर नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं एक्सचेंज होना चाहता हूँ। अब ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे डोरा केक पसंद है। मेरा मतलब मुझे पैन केक पसंद है। तुम अपनी सुंदरता के लिए क्या करती हो? नाश्ते में रोज सुबह मेरी मॉम मुझे स्मूदीज देती है और हर सुबह मैं उबला हुआ पानी पीती हूँ और रात को जल्दी सो जाती हूँ। और छुट्टियों में फिट रहने के लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ और हाँ योगा भी करती हूँ। तली हुई चीजों से परहेज करती हूँ। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ मैं उसका इतना बड़ा फैन जो हूँ। अरे दीदी नहीं मतलब। अब अगला है म्यूजिक वाला प्रोग्राम। ऑल द बेस्ट। ठीक है अब हमारी मारी मारी हुई हमारे लिए अपना सबसे मशहूर गाना गाएंगी। नहीं आज के लिए तुम्हें अपने होंठ गाने के हिसाब से हिलाने होंगे। ठीक है बच गया। डोरेमोन अब हम वापस चलते हैं। हाँ चलो। ओहो तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा आज का काम खत्म नहीं हुआ है। क्या अभी भी? तुम जितना ज्यादा काम करोगी उतनी ज्यादा मशहूर हो जाओगी। ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। मारी जान के लिए मुझे ये करना ही होगा। थैंक यू आपकी सपोर्ट के लिए। मैं अपने फैन से बहुत प्यार करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत थक गया हूँ। अब घर वापस जाते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अभी तो इसे रात के 2 बजे तक काम करना है। क्या क्या कहा आपने? ये नामुमकिन है। ऐसा है तो चलो। चलो चलो मैं पहले जैसा हो गया। लेकिन मुझे ये आंटी बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मारी जान कहाँ है? मारी जान कहाँ चली गई? मारी जान तुम तैयार हो ना? पता नहीं ये मारी जान अचानक से कहाँ चली गई? जरा यहाँ पर तो देखिए। जरा सुनो तो मैं वो दिल लगा कर काम करना, अच्छे से करना। आजादी कितनी अच्छी चीज होती है। मारी जान बहुत मेहनत करती है, वो बहुत ही मेहनती है। चलो अब घर जाके डिनर करते हैं। मैं आ गया। मॉम माफ करना। ये मैं हूँ, मैं नोबिता हूँ। वो फिर से आपस में बदल गए इसलिए। नोबिता खाने के लिए आ जाओ। हा? अरे कम से कम खाना तो खाओ ना। घबराओ मत मारी। माफ कीजिए मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। हा? एक और देना प्लीज। इतने लंबे टाइम के बाद मैंने इतना आराम किया, लेकिन अब मुझे अपने असली रूप में आना होगा। पता नहीं मारी चांद की मॉम कहाँ चली गई होंगी, शायद उस तरफ है। काम कैसा रहा आज? बहुत मुश्किल था, मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अपनी मॉम को माफ कर दो मारी चांद। अरे मैं तो नोबिता हूँ। मैं यहाँ हूँ मॉम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।
मैं इसे कभी जबरदस्ती नहीं करूंगी। मारी जान बहुत अच्छी लड़की है।